नमस्कार दोस्तों, आज हम इस वीडियो में OnePlus Ace 3 Pro वर्सेस Xiaomi Redmi K75 G का फुल डेप्थ कंपैरिजन करने वाले हैं। इसके अलावा इसी कीमत में आने वाले दूसरे स्मार्टफोन की जानकारी भी आपको वीडियो के लास्ट में देंगे। सबसे पहले बात करते हैं दोनों फोन के डायमेंशन की। दोनों फोन की लेंथ की बात करें तो Ace 3 Pro में 6.43 इंच जबकि K70 में 6.33 इंच की लेंथ मिलती है, जो कि Ace 3 Pro से कम है। विड्थ की बात करें तो Ace 3 Pro में 2.96 इंच जबकि K70 में 2.95 इंच की विड्थ मिलती है, जो कि सेम जैसी ही है। अब बात करते हैं वेट की तो Ace 3 Pro में 212 ग्राम्स जबकि K70 में 209 ग्राम्स का वेट देखने को मिलता है, जो कि सेम जैसा ही है। चलिए अब हम डिस्प्ले की तुलना करते हैं। डिस्प्ले टाइप की बात करें तो Ace 3 Pro में LTPO AMOLED कर्व डिस्प्ले जबकि K70 में OLED की डिस्प्ले मिलती है। डिस्प्ले साइज की बात करें तो Ace 3 Pro में 6.78 इंचेस जबकि K70 में 6.67 इंचेस मिलती है। डिस्प्ले रेजोल्यूशन Ace 3 Pro में 1264x2780px FHD+ और K70 में 1440x3200px QHD+ मिलता है। स्क्रीन टू बॉडी रेशियो Ace 3 Pro में 90.29% जबकि K70 में 89.09% मिलता है। बात करें PPI डेंसिटी की तो Ace 3 Pro में 450 पिक्सेल प्रति इंच जबकि K70 में 526 पिक्सेल प्रति इंच मिलती है। अब देखते हैं डिस्प्ले के अन्य फीचर्स यानी विशेषताएं की, जो कि मोबाइल फोन का महत्वपूर्ण हिस्सा है। अब बात करते हैं सबके पसंदीदा फीचर्स कैमरा की। दोस्तों सबसे पहले बात करें मेन कैमरा की तो Ace 3 Pro में 3 कैमरा देखने को मिलता है, जिसमें कि प्राइमरी कैमरा, अल्ट्रा वाइड एंगल कैमरा और आखिर में मैक्रो कैमरा देखने को मिलता है। और K70 की बात करें तो इसमें भी हमें 3 कैमरा देखने को मिलता है, जिसमें कि प्राइमरी कैमरा, अल्ट्रा वाइड एंगल कैमरा और आखिर में मैक्रो कैमरा देखने को मिलता है। बात करें वीडियो कैमरा की तो Ace 3 Pro में 10 डिफरेंट टाइप के फीचर्स मिल जाते हैं और K70 की बात करें तो उसमें 11 डिफरेंट टाइप के फीचर्स मिल जाते हैं। अब बात करें फ्रंट कैमरा यानी कि सेल्फी कैमरा की तो Ace 3 Pro में सिंगल कैमरा देखने को मिलता है, जिसमें कि 5 डिफरेंट फीचर्स मिलते हैं और K70 में भी सिंगल कैमरा देखने को मिलता है, जिसमें 4 डिफरेंट फीचर्स मिलते हैं। आइए अब बात करते हैं हार्डवेयर के बारे में, जिसमें हम CPU, GPU और RAM की जानकारी देखेंगे। हार्डवेयर में सबसे पहले CPU, जो कि स्पीड के हिसाब से देखा जाए तो फोन में सबसे इम्पोर्टेंट पार्ट है, उसकी डिटेल्स देखते हैं। GPU की बात करें तो Ace 3 Pro में Adreno 750 जबकि K70 में Adreno 740 मिलता है। चिपसेट की बात करें तो Ace 3 Pro में Qualcomm Snapdragon 8 Gen 3 और K70 में Qualcomm Snapdragon 8 Gen 2 मिलता है। बात करें RAM की तो दोनों फोन में सेम ही 12GB RAM मिलती है। बात करें इंटरनल मेमोरी, जिसको हम स्टोरेज भी कहते हैं, वो दोनों फोन में सेम ही 256GB स्टोरेज मिलती है। एक्सपेंडेबल मेमोरी दोनों फोन में नहीं है। ऑपरेटिंग सिस्टम दोनों फोन में Android V14 देखने को मिलती है। बैटरी Ace 3 Pro में 6100 mAh जबकि K70 में 5000 mAh देखने को मिलती है। आइए अब मेन फीचर को देखते हैं। कलर्स की बात करें तो Ace 3 Pro में 2 कलर्स जबकि K70 में 4 कलर्स ऑप्शन मिलते हैं। सब इन्फॉर्मेशन देखने के बाद बात करें प्राइस की तो Ace 3 Pro 12GB RAM 256GB स्टोरेज के साथ 37,990 रुपीस में मिल जाता है और बात करें K70 की तो वो 12GB RAM 256GB स्टोरेज के साथ 31,990 रुपीस में मिलता है। दोस्तों अब बात करते हैं प्रॉन्स एंड कॉन्स यानी कि फायदे और नुकसान की तो OnePlus Ace 3 Pro में 8 फायदे और 5 नुकसान देखने को मिलता है, जबकि बात करें Xiaomi Redmi K75 G की तो उसमें 8 फायदे और 8 नुकसान देखने को मिलता है। फाइनली बात करें है रिजल्ट की तो डिस्प्ले में K70 आगे है
मेन कैमरा में दोनों फोन सेम ही है, फ्रंट सेल्फी कैमरा में दोनों फोन सेम ही है, परफॉर्मेंस में एस 3 प्रो आगे है। दोस्तों अब हम सेम प्राइस में आने वाले दूसरे फोन को भी देख लेते हैं। पहले कॉम्पिटिटर फोन की बात करें तो उसमें सैमसंग गैलेक्सी S24 5G है, दूसरा गूगल पिक्सल 8a 5G है, तीसरा मोटोरोला H50 फ्यूजन 5G है और लास्ट कॉम्पिटिटर फोन की बात करें तो उसमें रियलमी GT60 5G है। और ये सारे फोन की डिटेल्स आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगी। प्रिय दोस्तों अगर यह वीडियो आपको अच्छा लगा हो तो कृपया इसे लाइक शेयर और सब्सक्राइब करना न भूलें।